या फालसे को किस तरह से फ्रीज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत डेलिकेट सा फल है जो फ्रिज में हार्डली एक दिन तक सर्वाइव करता है, और उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है। आप इसको फालसे को बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं फ्रीज कर। और इसको किस तरह से फ्रीज किया जाता है मैं आपको बताऊंगी। आप देखिए, मैं बाजार से 1 किलो फालसा खरीद कर लाई हूँ। इसे आप किसी बड़े खुले बर्तन में डालें और हल्के हाथों के साथ आप पानी के साथ इसको धो लें ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी है वो निकल जाए। इसके बाद आप इसे किसी टोकरी में या छन्नी में डाल दीजिए ताकि इसका जो भी पानी है वो ड्रेन हो जाए। ख्याल रखिएगा पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विड होगा तो इसको लिक्विड जो है वो इसको जल्दी खराब कर देता है। इसके बाद आप इसे साफ कर लीजिए। इसमें छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं जिनको मैंने अभी साफ कर लिया है। इसको इसके अंदर जो भी ऐसी, ये देखिए ऐसी स्टेम्स होगी इसके अंदर छोटी छोटी, उनको आप साफ कर लीजिए। और इसके बाद आप जिस तरह से भी इसे फ्रीज करते हैं, चाहे तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए, चाहे तो आप इन्हें जिपलॉक बैग्स में रख सकते हैं। देखिए छोटे जिपलॉक बैग्स हैं। अगर आप इसे पोशन करके करना चाहते हैं, जितना आप एक टाइम इसे यूज करते हैं शेक्स वगैरह के लिए, तो आप इनमें पोशंस बनाकर भी इसे फ्रीज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसा बड़ा जिपलॉक बैग बनाकर इसे एक साथ ही फ्रीज कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जुड़ेगा नहीं आपस में अगर इसमें लिक्विड नहीं होगा। और अगर ये थोड़ा बहुत पीस जुड़ भी जाता है आपस में तो उसे निकालना बहुत, ये बहुत हल्के हाथों से आप इसे करेंगे तो ये अलग हो जाता है। मैं जब फालसे को फ्रीज करती हूँ तो मैं इसे खुले बर्तन में यूज करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में फालसा इन दिनों बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। हम इसका शेक पीते हैं। तो आप देखिए, ये फालसा 10 से 12 दिन पुराना है, और ये देखिए, और इनमें से कोई भी दाना इसका खराब नहीं हुआ है। जैसे मैंने इसे रखा था, ये बिल्कुल वैसे का वैसा है। ये देखिए इसके पीसेस कुछ आपस में फ्रीज हो गए हैं, कुछ ये देखिए अभी भी अलग हैं। और मुझे जब भी इन्हें यूज करना होता है, मैं इन्हें सिंपली निकालती हूँ और इसे ग्राइंडर में डालती हूँ और इसको हम यूज कर लेते हैं। आप भी इस तरह से फालसे को स्टोर कर सकते हैं और इसे आप बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। मैंने इसे एक एक महीने तक भी इस तरीके से फ्रीज किया और ये बिल्कुल ठीक रहता है। इसकी चटनी किस तरह से बनती है और इसका शेक मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बता दूंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।